हेलो गाइस, आज मैं आ गया हूँ श्री कृष्ण की पावन धरती मथुरा में। ये न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से 130 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। अप्रॉक्स 2 घंटे लगते हैं यहाँ पे आने में। सो सबसे इजी यहाँ पे आना ट्रेन से है, तो आप ट्रेन से आइए और रेलवे स्टेशन के पास आपको बहुत सारे अच्छे होटल्स मिल जाएंगे, गोवाई बीबो या फिर मेक माई ट्रिप से। सो यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, यहाँ पर बारिश हो रही है और अचानक धूप हो जा रही है, तो थोड़ा अनसर्टेन है, बट ओवरऑल यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। तो हम सुबह 8 बजे अपने होटल से निकल चुके हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करने, जो हमारे यहाँ से अप्रॉक्स 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। सो गाइस, शास्त्रों के हिसाब से कहा जाता है कि मथुरा की ये जो धरती है, ये 6000 साल पुरानी श्री कृष्ण के इतिहास को दर्शाती है। मथुरा के इसी जन्म स्थान में कंस का वो जेल है जहाँ पर श्री कृष्ण का जन्म हुआ था और जहाँ से वसुदेव जी ने इनको यमुना के रास्ते गोकुल ले जाने का और निर्णय लिया था। सो गाइस, यहाँ पे एक मेन मंदिर के अलावा कंस की वो गुफा है जिसमें जेल है और एक पोथरा नाम का कुआं है जिसको यहाँ के लोग बताते हैं कि कम से कम 5 या 6 हज़ार साल पुराना है। इसके अलावा यहाँ पे एक छोटा सा मार्केट है, अगर आपको रिफ्रेशमेंट चाहिए, आप थक गए, तो यहाँ का फेमस लस्सी और ब्रिजवासी के पेड़े बहुत मशहूर हैं। जैसे आगरा में पंछी पेठे फेमस है, वैसे ही मथुरा के ब्रिजवासी पेड़े बहुत ज़्यादा मशहूर है। छोटा सा मार्केट है बट यहाँ पे आप घूम सकते हैं, यहाँ पे पार्किंग भी है, पार्किंग फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो अपनी बाइक या गाड़ी आप यहाँ पे पार्क कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और गाइस, मंदिर की सिक्योरिटी बहुत टाइट है, जो कि बहुत अच्छा है। बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की होने की वजह से यहाँ पे सेलफोन्स कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए इसके अंदर की किसी भी तरह की वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। तो अंदर का कोई भी वीडियो अवेलेबल नहीं है, बट आप बाहर से देख सकते हैं कि ये एरिया बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आप घूम सकते हैं और श्री कृष्ण जन्म स्थान का एक बार दर्शन करना बनता है लाइफ में एक बार। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो गाइस, यहाँ का अरेंजमेंट बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे मेल फीमेल के लिए अलग अलग क्लॉक रूम दिए गए हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक डिजिटल क्लॉक रूम है जहाँ पे आप अपना कैमरा, लैपटॉप, फोन्स या जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है उसको यहाँ पे आप रख सकते हैं। और गाइस, मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, ये पूरा एरिया मथुरा पुलिस, यूपी पुलिस के सर्वेलेंस पर रहता है और ये बहुत ज़्यादा हाईली सिक्योर और सेफ है। अगर आप यहाँ पे रात को भी आना चाहते हैं तो आप रात को अच्छे से घूम सकते हैं बिना किसी टेंशन के। अगर आपको रुकने की कोई दिक्कत है तो यहाँ पर होटल्स के अलावा बहुत सारे धर्मशाला भी अवेलेबल हैं जो आपको बहुत ही सस्ते में मिल जाते हैं मंदिर के ठीक सामने। तो गाइस, एक बार मथुरा ज़रूर आइए, श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन ज़रूर कीजिए, यहाँ के ब्रजवासी पेड़ा और यहाँ का लस्सी एक बार टेस्ट ज़रूर करिए। सो गाइस, इसी के साथ ये वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ, बिकॉज़ मुझे अभी यहाँ से द्वारकाधीश के दर्शन करने जाना है, उसके बाद यमुना घाट जाना है मेरे को, तो आई थिंक वो एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा। तो मेरा प्लान है कि अब मैं यहाँ से द्वारकाधीश जाने वाला हूँ, जो यहाँ से अप्रॉक्स 2 या 3 किलोमीटर पड़ता है, तो अब हम चलते हैं द्वारकाधीश के लिए। जाते जाते मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे मथुरा, वृंदावन, गोकुल, द्वारकाधीश, नंदग्राम, जहाँ भी आप जाएंगे आपको सब जगह राधे राधे, हरे कृष्णा, हरे राम का ही जाप सुनाई देगा, जो आपको मेंटली और स्पिरिचुअली अलग लेवल पे ले जाता है। तो गाइस, एक बार प्लीज़ यहाँ पे आइए और श्री कृष्ण के दर्शन जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।